हरियाणा आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का गठजोड़ हो सकता है, वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा गठजोड़ की संभावना ते आम आदमी पार्टी का भी बयान स्टेटमेंट सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के सुझाव का स्वागत किया है। राहुल गांधी के बयान का स्वागत करते हाँ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वालों आ बयान सामने आया है। तो संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को हराने की साड़ी पहल है, यानी कि साड़ी पहली प्रायोरिटी है बीजेपी को हराना। आ संजय सिंह का स्टेटमेंट बयान सामने आया है। गठजोड़ से अंतिम फैसला केजरीवाल ही करेंगे। हालांकि सवेर तो ही अटकला सी, चर्चावां सी राहुल गांधी के वालों आ तमाम पार्टी लीडर्स नूं कहा गया है कि फीडबैक दो कि आने वाली हरियाणा विधानसभा चोणा की गठजोड़ के तहत लड़िया जान। क्योंकि जो असं गल करिए दोवें ही पार्टियां आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी इंडिया गठजोड़ इंडियन नैशनल डिवेलपमेंटल इनकलूसिव अलायंस का हिस्सा ने। 2024 लोकसभा चोणा गठजोड़ के तहत ही लड़िया गई सी। पर्टिकुलर जो असं हरियाणा की गल करिए 9 सीटा कांग्रेस पार्टी के वालों लड़िया गई सी, एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते आई सी कुरुक्षेत्र की सीट। तो हुण जो आम आदमी पार्टी के आगू ने संजय सिंह, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सुझाव का असी स्वागत करने हाँ, राहुल गांधी के बयान का असी स्वागत करने हाँ, बीजेपी को हराना साड़ी पहल है, बीजेपी को हराना साड़ी प्रायोरिटी है। कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहाँ पे मैं प्रभारी हूँ। तो जो लोग संगठन का पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहाँ के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएससी। हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए, कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा।